नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल वर्ल्ड। आज का जो हमारा सवाल है वो है कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड। हर इंसान कोई ना कोई सामान या सेवा का इस्तेमाल करता है, और ऐसे में अगर उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो कैसे कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है, ये बातें आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। और हमारे साथ हैं एडवोकेट सुमित कौशिक। जी सर, कंज्यूमर कोर्ट में जो केस फाइल होते हैं वो हैं जहाँ पे आपने कोई भी सर्विसेज परचेज की है या कोई प्रोडक्ट परचेज किया है और उसमें डेफिशिएंसी है। आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और वो उसमें कोई खराबी है, कोई खामी है, या आपने कोई सर्विसेज परचेज की हैं और वो सर्विसेज में डेफिशिएंसी है, तो आप इस सूरत में कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब बात करें कि कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कैसे फाइल करें, ये हमने पहले एक एपिसोड में भी डिस्कस किया है कि कंज्यूमर कोर्ट में एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी ये फाइल कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट। तो इसमें अगर बातचीत करें हम, कंज्यूमर की जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट एक नॉर्मल एक फॉर्मेट होता है। आप ऊपर कंज्यूमर फॉर्म का नाम लिखेंगे, उसके बाद अपने बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे, आप कौन हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके एड्रेसेस वगैरह। उसके बाद जो आपकी ग्रीवेंसीज हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो अच्छे से डिफाइन करके डेट और टाइम के साथ, और जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसका डिस्क्रिप्शन देके, उसके बिल्स वगैरह अटैच करके, और फिर कंज्यूमर फोरम से जो आपका रिलीफ है, आपको क्या चाहिए, इसको रिप्लेस कराना है, कोई पेनल्टी है या कोई डैमेजेस हैं, वो आप लास्ट में प्रेयर क्लोज में मेंशन कर सकते हैं। सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म में ये जा सकती है, कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें इसमें नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपने जाना कि कंज्यूमर कोर्ट में हम कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, साथ ही आपने एक महत्वपूर्ण बात जानी कि कंज्यूमर कोर्ट में एडवोकेट की आवश्यकता नहीं होती, आप खुद भी एक सिंपल तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया और आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।